हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और सबसे पहले स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने अभी तक क्वांटमेनिया नहीं देखी है, इस वीडियो को यहीं पे रोक दो, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लोकी के पोस्ट क्रेडिट सीन को, जो कि हमें क्वांटमेनिया के एंड में देखने को मिलता है, जहाँ पे लोकी और मोबियस दोनों ही 20th सेंचुरी की टाइम लाइन में विक्टर टाइमली से मिलने जाते हैं, या पॉसिबली कहूँ उन्हें हंट करने जाते हैं। वो कैंग का एक नया वेरियंट है, और वेरियंट्स के बारे में ही रिमेंस ने ऑलरेडी लोकी एंड सिल्वी को ये वॉर्न कर दिया था सीजन 1 में कि जो बाकी वेरियंट्स है वो मेरे से भी ज़्यादा वर्स है, बदतर है, और जब उन का सामना तुमसे होगा तो तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा उन्हें रास्ते से हटाने के अलावा, जो कि मैंने इतनी एफिशिएंटली अभी तक किया है। लेकिन जो हमारे पास लीक ट्रेलर्स आए हैं, क्लिप्स आए हैं, या फिर कुछ मिनिमल फुटेजेस आए हैं लोकी के सीजन 2 से, वहां से हमें यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी टीवीए में एक ऐसा दौर चल रहा है, या फिर एक मूवमेंट ऐसा था जहां पे अभी तक लोगों को पता नहीं था कि उनकी एग्जिस्टेंस को, या फिर टीवीए की पूरी सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको यहां पे कैंग ने फिर से रीराइट कर दिया। अब वो कौन सा कैंग है और किस तरीके से लोकी जो है कैंग की सच्चाई, और अल्टीमेटली किस तरीके से पहले से ही कैंग के ही वेरिएंट्स यहां पे टीवीए को कंट्रोल करते आ रहे हैं, वही यहां पे जो है टीवीए के एम्प्लॉइज के सामने, खास तौर पर मोबियस और B1500 के सामने लेकर आएंगे। लेकिन जैसे हमने लोकी के सीजन 1 में ये देखा था कि सिल्वी, जो कि यहां पे लोकी का ही एक और वेरिएंट था, उसी को यहां पे ह्यू रिमेंस हंट करवा रहा था, और एक्चुअली में टीवीए जो उसे अलग-अलग टाइमलाइंस में ढूंढ रही थी। लेकिन इस बार हमें बिल्कुल रिवर्स देखने को मिलेगा, जहां पे कैंग के ही डिफरेंट वेरिएंट्स को प्रोबेबली शायद प्रून करने के लिए, या फिर उनकी हेल्प सीख करने के लिए लोकी और मोबियस जो है अलग-अलग टाइम स्ट्रीम्स में, टाइमलाइंस में और रियलिटीज में जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी सॉलिड इनसाइडर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जोनाथन मेजर्स ने न सिर्फ यहां पे अपने कैंग के पोर्शंस को रीशूट किया था, बल्कि मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ कैंग के प्ले करने के रूमर्स है, जिसमें यहां पे इन्वेंटर कैंग, जो कि विक्टर टाइमली ही है, जो कि अपनी टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी का शो ऑफ जो है ओल्ड स्कूल लोगों के सामने कर रहे हैं, वहीं यहां पे हो सकता है कि ये जो सीन क्वांटमेनिया के एंड में हमें दिखाया गया था, इसका एक बहुत ही बड़ा हिंट यहां पे कैंग कॉन्करर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कि अगर टीवीए और खास तौर पर मोबियस और लोकी यहां पे मिलकर जो है कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स को ट्रैक डाउन कर रहे हैं, या फिर हंट कर रहे हैं उनको प्रून करने के लिए, ताकि वो फर्दर यहां पे मल्टीवर्सल वॉर की तबाही जो है क्रिएट ना कर पाए सेक्रेट टाइमलाइन में, या फिर अल्टरनेट ब्रांचेस को रोका जा सके इन कैंग्स को रोक के, तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपको अपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहां पे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में कहीं मिल जाएगा आपको, तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो मल्टीवर्सल कोर इंजन था, जिसके थ्रू यहां पे सक इन हुए थे कैंग द कॉन्करर उस मशीन में, तो कहीं ना कहीं किसी अल्टरनेट ब्रांच रियलिटी में यहां पे वो गए होंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो मल्टीवर्सल कोर इंजन जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव था। हो सकता है कि यहां पे हमें कैंग द कॉन्करर के हिंट, या फिर खुद ब खुद कैंग द कॉन्करर ही लोकी और मोबियस के सामने आते हुए हमें नजर आए, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होगा ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि यार अभी तक सीरीज आई नहीं। बाकी देखना होगा कि भोला सा दिखने वाला ये विक्टर टाइमली कितना ज्यादा कमीना है, और किस तरीके से ये अपनी उंगलियों पे मोबियस और यहाँ पे लोकी को नचवाता है अपनी भोली सूरत सी और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी का यूज करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड एज़ ऑलवेज़ बी मार्वेलस।